आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। भारतीय किसान यूनियन असली जनपद संबल कार्यकारिणी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती रेलवे स्टेशन धनारी डॉक्टर विवेक यादव के आवास पर श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। समाज सेवी बहादुर सिंह यादव ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय संरक्षण रणवीर शास्त्री ने भी उनके जीवन पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय प्रमुख सचिव ऋषिपाल सिंह यादव ने कहा कि आज 23 दिसंबर 2020 को किसान सम्मान दिवस के रूप में पूरे देश में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जाती है और आज पूरे देश के किसानों ने एक दिवसीय उपवास भी रखा है। अच्छा अध्यक्ष जी, युवा मंडल अध्यक्ष यादव जी, ये बताइए अब किस ऊपर तुम बैठे हैं यहाँ पर? आज हमने 23 दिसंबर को किसान मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई है। पूरे देश का किसान आज इसे जयंती को एक किसान दिवस के रूप में मना रहा है और हम लोगों ने आज उपवास रखा है जी। सब लोगों ने, पूरे देश के किसानों ने आज उपवास रखा है और हम उपवास के माध्यम से ये सरकार को जताना चाहते हैं कैसे उस दिल्ली के बॉर्डर पर किसान कड़ाके की ठंड में वहाँ बड़े ही अहिंसक तरीके से अपनी माँओं को मनवाने के लिए पड़ा है, बच्चों को लेकर पड़े हैं और यहाँ आज पूरे देश का किसान उपवास रख रहा है। लेकिन ये तानाशाही सरकार, ये तानाशाही रवैया दिखाती हुई हम लोगों की मांगें मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों को घर में नज़रबंद करा दिया जाता है, प्रशासन दिल्ली जाने से पूरी तरह रोक रहा है जी। मैंने ये भी सुना था कि आपको नज़रबंद भी कर दिया गया था जी। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ऋषिपाल सिंह यादव को और हमको और हमारे सारे किसान नेताओं को ये जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है घरों में नज़रबंद करवा के रखते हैं। ये तानाशाही रवैया है, ये बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। किसान, ये सरकार किसान की आवाज़ को दबाना चाह रही है जी। लेकिन हम किसान रुकने वाले नहीं हैं, बड़े ही अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा जी।